ये मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लगाया, तो देखिए ये ए प्लस बी का कितना आ रहा है, समथिंग 19.4। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू अनदर यूजफुल वीडियो ऑफ उमर सोलर। दोस्तों, किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अर्थिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है आपको पता ही होगा। तो अर्थिंग क्या करती है कि जो भी एक्सेस करंट है, लीकेज करंट है, उसको एक सेफ रास्ता प्रोवाइड करती है ज़मीन में जाने के लिए, अर्थ में जाने के लिए, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं कि जो फॉल्ट करंट है उसको लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करती है अर्थिंग। तो ये एक इनविजिबल शील्ड की तरह काम करती है, जो कि हमारे इक्विपमेंट को भी प्रोटेक्ट करती है और इंसानों को भी प्रोटेक्ट करती है, दोनों की सेफ्टी के लिए ये ज़रूरी है। तो आइडियली किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, चाहे वो ट्रांसफार्मर की अर्थिंग हो, घर की इलेक्ट्रिकल अर्थिंग हो, या सोलर सिस्टम की अर्थिंग हो, आइडियल वैल्यू उसकी होती है बिलो 1 ओम। ठीक है, बिलो 1 ओम अगर अर्थिंग पिट की या अर्थिंग का जो हमारा सिस्टम है उसकी वैल्यू आ रही है, तो वो बहुत ही बढ़िया अर्थिंग उसको मानी जाती है। लेकिन तो वो वैल्यू अचीव करना डिपेंड करता है कि भाई टाइप किस टाइप की सॉइल है ना, हमने अर्थिंग की रॉड कितनी यूज़ की है, बहुत सारे पैरामीटर्स पे वो डिपेंड करता है। तो उसके लिए दोस्तों क्वेश्चन आता है कि भाई हम अर्थिंग तो कर देते हैं सोलर सिस्टम में, लेकिन वो अर्थिंग प्रॉपर हुई या नहीं, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, वो हमको चेक करना है। तो दोस्तों, पुराना ट्रेडिशनल मेथड आपने देखा होगा, पॉइंट मेथड होता था जिसमें हम मेकर वगैरह यूज़ करते थे, लेकिन अभी एक बहुत ही बढ़िया टूल हम यूज़ कर रहे हैं जिसको बोलते हैं, ये देखिए ये हमारा अर्थ क्लैंप टेस्टर है। ठीक है, ये मेट्रावी का है, क्लैंप ऑन अर्थ टेस्टर, या अर्थ रेजिस्टेंस या ग्राउंड रेजिस्टेंस टेस्टर इसको बोलते हैं। तो इसके स्पेसिफिकेशन मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ। तो ये रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है 0.01 से लेकर 1500 ओम तक का ये रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है। ये इसका जॉ है, जहाँ पे हम ऐसा जो भी अर्थिंग जिसकी मालूम करना है लूप में, आगे मैं आपको बताऊँगा, तो वो यहाँ पर हम क्लैंप कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे हमको डायरेक्टली रीडिंग दे देगा। ठीक है, सिंपल है, सिर्फ क्लैंप करना है। ये इसका LCD डिस्प्ले है, यहाँ पर हमको रीडिंग दिखेगी। तो बात कर लेते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की। तो ये दोस्तों काम कैसे करता है, तो इसके अंदर थोड़ा अगर हम नज़दीक आके देखेंगे, तो ये देखिए दो कॉइल है यहाँ पे, आपको दिख रहे होंगे दो पॉइंट, ये इधर से भी दो। तो एक है वोल्टेज कॉइल, एक है करंट कॉइल। मतलब क्या, जो वोल्टेज कॉइल है, हम जो भी अर्थ पिट का रेजिस्टेंस हम मेजर करने वाले हैं, वो वोल्टेज कॉइल क्या करेगा, उस वो लूप में वोल्टेज इंड्यूस करेगा। वोल्टेज इंड्यूस होने की वजह से हमको मालूम है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वो वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो होगा, और जो करंट फ्लो होगा उसको मेजर करने के लिए यहाँ पर दूसरा वाला कॉइल है। तो एक है वोल्टेज कॉइल, एक है करंट कॉइल। वोल्टेज कॉइल क्या करेगा, वो वायर में या जो लाइन है, अर्थिंग पिट है, उसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस करके करंट फ्लो कराएगा, और वो करंट फ्लो को हम मेजर करेंगे कितना है। तो इसके अंदर एक फिक्स वोल्टेज है, जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, हमारे पास करंट है, तो ओम्स लॉ R=V/I से वो कैलकुलेट करके हमको वैल्यू देता है। इसको यूज़ कैसे करना है, उसके लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप लगाया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1 मीटर के रॉड्स है, ये एक रॉड है, इसके 1.25 मीटर पे ये दूसरी वाली रॉड हमने यहाँ पे लगाई है, इसको बाद में निकालना भी है इसलिए हमने ज़्यादा अंदर इसको नहीं डाला, और ये तीसरी वाली, ये वाली रॉड है हमारी, इसको भी हमने यहाँ पे अंदर डाला है। तो आधी आधी सब रॉड अंदर गई है, और लगभग 1-1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन है। तो अब देखिए, इससे हम कोई सिंगल एक अर्थ पिट का रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते। आपको लग रहा होगा कि भाई अगर हम ऐसे इसको जस्ट क्लैंप करेंगे वैल्यू आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ये एक लूप में काम करता है। तो जैसे हम नॉर्मली 3 अर्थिंग करते हैं सोलर सिस्टम में, 1, 2, 3, तो चाहे वो एक लाइन में हो या ऐसा कुछ ट्रायंगुलर शेप में हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मान लो ये वाला रेजिस्टेंस हमारा पिट का नाम है ए, वो बी, वो सी। तो हम पहले क्या करेंगे, ये 2 का लूप बनाएंगे ए बी, फिर ये 2 का बनाएंगे बी सी, और ये तीसरे का बनाएंगे ए सी। तो जब हम इन दोनों को एक टेस्ट वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, ये हो जाएगा सीरीज में, और हम इससे क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे, तो ये ए प्लस बी का रेजिस्टेंस आएगा। सिमिलरली हम बी और सी को टेस्ट लाइन से कनेक्ट करेंगे, उसकी वैल्यू ले लेंगे, बी प्लस सी की कुछ वैल्यू आएगी, सिमिलरली ए प्लस सी की कुछ वैल्यू आएगी। तो 3 इक्वेशन, 3 अननोन,
हम सिंपल 9th और 10th क्लास का मैथमेटिक्स लगा के उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये रॉड्स को हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं ये ग्रीन वायर के थ्रू। पहले ये ए और ये बी को हम कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए, ये दोनों ए और बी, इसको मैंने नाम दिया है। अब इसको मशीन को हम ऑन कर लेंगे। ऑन करेंगे तो यहाँ पे OL लिख के आएगा और यहाँ पे ओम का आपको सिंबल दिख रहा होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके साथ एक टेस्ट लैंप है, बिल्कुल इसके साथ में देखिए, ये एक टेस्टिंग के लिए रिंग आया है कैलिब्रेशन के लिए। तो ये 5.1 ओम का है और इसमें इतना टॉलरेंस है 0.1 ओम का। तो हम इसको लगा के चेक कर लेंगे। पहले 5.1 ओम बता रहा है, ठीक है, कैलिब्रेशन हम ऐसे कर सकते हैं। अब चलिए हम ये हमारे दोनों अर्थिंग का रेजिस्टेंस गिन लेंगे। तो ये मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लगाया। तो देखिए, ये ए प्लस बी का कितना आ रहा है, समथिंग 19.4, इतना रेजिस्टेंस आ रहा है। तो अगर ये दोनों का मिला के 5 ओम से नीचे आ रहा है तो भी हमारी अर्थिंग बराबर है। इन शॉर्ट, अगर एग्जैक्ट निकालना है तो वीडियो का आप एंड तक देखिए। तो ए प्लस बी कितना आया हमारा, कहीं से लूज कांटेक्ट हो रहा है इसलिए रेजिस्टेंस ज़्यादा बता रहा है शायद। उधर से हिला क्या वायर, ये देखिए 18.2 आ गया। तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ, ए प्लस बी तो चलिए तीन इक्वेशंस को हम नोट कर लेंगे। तो पहला आया हमारा ए प्लस बी इक्वल टू 18.7। सिमिलरली बी प्लस सी जो भी आएगा, और ए प्लस सी, तो बी प्लस सी को अब यहाँ से मैं ये यहाँ से ये निकालूंगा, ठीक है, और इसको ले लूँगा यहाँ पे सी में कनेक्ट करूँगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है देखिए, 17.3, ये देखिए 17.3, बी प्लस सी 17.2। अब ये हाई वैल्यूज़ क्यों आ रही है, क्योंकि आधी रॉड हमने डाली, केमिकल का हमने अभी तक यूज़ नहीं किया, इस वजह से वैल्यू ज़्यादा आ रही। तो बी प्लस सी हमारा आ रहा है 17.12, तो 2 पकड़ लेते हैं। अब हमको गिनना है ए और सी। OL लूज कॉन्टैक्ट हो रहा। अब ये देखिए, ए प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 17.3। ए प्लस सी की भी वैल्यू 17.3 आ रही है, तो इसको मैं नोट कर लेता हूँ। अब ये यहाँ से थोड़ा सा हल रहा है वायर, इसलिए 17 पॉइंट कितनी आ रही थी, 3 लूज हुआ कहीं से, तो हाँ 17.3 ये आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू आएगी जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखेगी। तो इस तरीके से इसको हमको यूज़ करना है। मान लो अगर आपके दो अर्थिंग है, सिर्फ दो आपने किए हैं, एक एल ए के लिए, एक इन्वर्टर और स्ट्रक्चर के लिए, मान लो आपने शॉर्टकट में काम निपटा दिया, तो उस केस में इसको इसको कैसे यूज़ करेंगे। मान लो ये दो हमारे अर्थिंग है, ये वाली एक और ये वाली, तो इन दोनों को टेस्ट लैंप से कनेक्ट करेंगे, सॉरी टेस्ट लैंप नहीं टेस्ट लाइन, एक वायर से कनेक्ट कर लेंगे और इसको क्लैंप करके गिनेंगे। अगर ये दोनों की वैल्यू 5 से कम आ रही है, दिस प्लस दिस 5 से कम है, मतलब दोनों की वैल्यू 5 से कम है, ये 2 ये 3 हो सकती है, ये 1 ये 4 हो सकती है, तो मतलब अर्थिंग हमारी बिलो 5 ओम है, अच्छी अर्थिंग है, ठीक है, ऐसा कर सकते। अगर आपके पास में मान लो सिर्फ एक ही अर्थिंग है, उसको आपको गिनना है, तो उसके लिए फिर आपको कोई एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। कैसा रेफरेंस, या तो एक आपको दूसरी वाली रॉड गजाली वगैरह गाड़नी पड़ेगी, या कोई पानी का पाइप या कोई खंबा, उसको टच करके आपको इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये सूटेबल है एक से ज़्यादा अर्थिंग, दो से ज़्यादा अगर है तो अच्छी बात है उसको मेजर करने के लिए। तो जैसे आपने देखा, हमने ए प्लस बी किया, बी प्लस सी किया, सी प्लस ए किया, तो तीनों की वैल्यूज़ ये आ रही है। तो इतना सिंपल है इससे अर्थिंग मेजर करना, ठीक है। तो सोलार सिस्टम में अर्थिंग बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि कुछ दिनों के बाद अगर अर्थिंग आपकी वीक हो गई तो इन्वर्टर बार बार ट्रिप करेगा। तो हमने ऐसे केसेस फेस किए, इस वजह से हमने ये मशीन खरीदी, काम अच्छा हो। अर्थिंग की वैल्यू अगर एक बार हमारी आ गई तो ये अर्थिंग मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग होती है। तो अगर हमारा बिलो 1 ओहम या बिलो 5 ओहम अचीव हो गया तो वो परमानेंटली मेंटेन रहेगा। इसलिए हमने तसल्ली के लिए, काम अच्छे से करने के लिए ये वाला अर्थिंग जो टेस्टर है इसको परचेस किया। तो होप के वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।